नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी मेरे DMIT प्रोफेशनल्स भाई बहन हैं, जितने भी ब्रेन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, जो भी व्यक्ति DMIT के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर या किसी भी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किस तरह से आप इन समर वेकेशंस में, जब स्कूलों की ऑलमोस्ट छुट्टियां पड़ी हुई हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं तब भी, और बच्चे घूमने गए हुए हैं तब भी, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, किस इस वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा और अंत तक ज़रूर समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखने की ज़्यादा है समझने की कोशिश कीजिएगा। साल 2017 के अंदर एक घटना घटित होती है जिसमें एक 7 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है एक स्कूल के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, जो पहले गुड़गांव होता था। वहाँ पे उस हत्या का जो कारक तत्व है, जो स्टार्टिंग में निकल के आया, वो निकल के आया कि वहाँ के बस कंडक्टर ने उस बच्चे की हत्या की है। बाद में बहुत सारी चर्चाएँ हुई, वो मैं उन पर नहीं जाऊँगा। तब CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए हर स्कूल को एक निर्देश जारी किया, जहाँ कि उनके अंडर में जो स्कूल आते हैं वो हैं तकरीबन इंडिया के अंदर 19,500, जिसमें 1100 के आसपास केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, 750, 650 के आसपास जवाहर नवोदय स्कूल्स हैं, फिर 14,500 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं, इस तरह से बहुत सारे, और कुछ स्टेट एडेड स्कूल्स भी हैं। तो इन तरह से 19,500 स्कूलों तक उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया, जो नोटिफिकेशन आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, कि हर स्कूल के हर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का हर साल साइकोमेट्रिक एनालिसिस होना ज़रूरी है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस इवेल्युएशन क्या होता है? आसान भाषा में, उस वक्त उस स्कूल में जब वो टीचर काम कर रहा है, उन दिनों में उसकी मानसिक दशा कैसी है, जिस काम पे वो हैं उस काम के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए, स्पेशली इन विद रिलेशन विद चिल्ड्रन, तो क्या उस स्टेट ऑफ माइंड उस व्यक्ति की है, कैपेबिलिटी के तौर पे क्या वो व्यक्ति उस कैपेबिलिटी पे रखता है जिस पे वो प्रोफेशनल पे वो ज्वाइन हुआ है, स्पेशली विद प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, कई बार अनकैपेबल पर्सन्स को भी कम सैलरी के चक्कर में रख लिया जाता है छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी सेक्शन में, कि ठीक है धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बहुत कम सैलरी उनको दी जाती है, बट साइकोलॉजिकली वो व्यक्ति कहीं क्रिमिनल माइंडेड का तो नहीं है, कहीं वो शो टेम्पर तो नहीं है, कहीं किसी भी तरह से वो बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकता, अंडर द एक्ट ऑफ पोस्को भी आती हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक निर्देश जारी किया सेप्टेम्बर के अंदर, कि सभी स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का हर साल साइकोमेट्रिक एनालिसिस होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाती है कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का करेगा कौन? यह इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, लाखों में टीचर्स हैं, इन टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की साइकोमेट्रिक एनालिसिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की बनती है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी ट्रेनिंग, तकरीबन 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको, सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक्सपर्ट्स के थ्रू वो एनालिसिस होता है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं वो सारी चीज़ें, वो एक प्रॉपर जो उनका सिमेट्रिक एनालिसिस पैटर्न होता है उसी पे वो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जिसमें आप स्कूल को अप्रोच करेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स बेशक ना हो लेकिन प्रिंसिपल जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो अवेलेबल रहते हैं, और बहुत सारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल के अंदर आता है वेकेशंस में स्पेशली। तो ऐसे टाइम पे स्कूल के पास टाइम होता है इस तरह के टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, स्कूल के सामने प्रपोजल रखेंगे कि हम आपके टीम का, चाहे वो टीचिंग है या नॉन टीचिंग है, प्रॉपर साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और कुछ सैंपल रिपोर्ट उनको दिखाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट आपको मिलेगी और इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, प्लस CBSE का सर्कुलर आप उनको ले जाके दिखा सकते हो, साथ में वो आप CBSE की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मिनिमम 50 लोगों का स्टाफ होता है। एक स्कूल से अगर आप एक मीटिंग करने जाते हैं, एक मीटिंग आपने प्रपोजल की दी, दूसरे मीटिंग में आप टेस्ट करने गए और तीसरी मीटिंग में आप उनका रिपोर्ट सुनाने गए, इन तीनों मीटिंग में आपकी कॉस्ट सिर्फ ट्रैवल की लगेगी, इससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों, कमाई क्या आती है, एवरेज मिनिमम जो है वो 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में एक स्टाफ मेंबर की काउंसलिंग होती है, टेस्ट होता है। तो एक बंदे पे 500 से 1,000 रुपये, इट मीन्स अगर 50 बच्चे हैं तो 50,000, 25 से 50,000 के बीच में एक स्कूल आपको इनकम देगा। आपके एरिया में कितने स्कूल्स हैं आप खुद सोच लीजिए, छोटे से बड़ा स्कूल, हर स्कूल के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट
कंपलसरी हो चुका है। बहुत सारे स्कूल इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, बट अगर आप जाके उनको प्रपोज करेंगे, उनको समझाएंगे कि CBSE ने भी कि सोच समझ कर ही ये नोटिफिकेशन जारी की है, और आपके थ्रू अगर टेस्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा उनको हो सकता है। और रिपोर्टिंग में, चाहे वो स्कूल गाँव में क्यों ना हो, टेस्ट भी हिंदी में होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है क्या, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, क्वेश्चनर्स होते हैं, देखिए जैसे ये आपके सामने आ रहे हैं, तो इन टेस्ट के बेस पे, इन क्वेश्चंस के बेस पे आप करंट स्टेट ऑफ माइंड का पता लगाते हैं। और हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर और टेस्ट, चाहे आप कहीं से भी ले सकते हैं, हमसे लेना चाहें, हमारी टीम उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी, ट्रेनिंग में भी आपकी हेल्प करेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे स्कूल्स को अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। सो यू कैन अप्रोच अस ऑल्सो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, DMIT के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति के 5 या 5 से ज़्यादा आर्क पैटर्न है, तो उनकी DMIT रिपोर्ट की काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो सकती, उसके लिए भी आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट करना ही पड़ेगा, और दोनों टेस्ट की रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आई नो DMIT वालों, ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज आपको पता चल गया है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आप सबके पास एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, स्कूल्स में काम आएगा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में काम आएगा, एम्प्लॉयज़ के लिए कॉरपोरेट इंडस्ट्री के अंदर काम आएगा, स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, करियर काउंसलिंग में काम आएगा। जो DMIT अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक सस्ता टेस्ट आपके पास होगा, क्योंकि DMIT के चार्जेस हाई हैं, यहाँ पे एक सस्ता टेस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो आप कस्टमर को अपनी बास्केट से अलग अलग प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको वैल्यू देती है तो लाइक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है, वो सारी आराम से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैं दीपक टोरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।